हरियाणा सरकार की घोषणा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी अपडेट हैं। क्या है ये जरूरी अपडेट, देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम छुट्टी को लेकर। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के चलते 22 और 25 तारीख को छुट्टी। हरियाणा के 4 जिले फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति तथा 25 नवंबर को पंच व सरपंच के पद के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। तो स्कूल की छुट्टी रहेगी 22 और 25 नवंबर को इन 4 जिलों में, फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में। अब देख लेते हैं दूसरी अपडेट। अब सप्ताह में 3 दिन टैब स्कूल लेकर आना अनिवार्य है, जांचा जाएगा गृह कार्य। सरकार की तरफ से मिले टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने ई अधिगम टैबलेट और PAL सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। स्कूल में अध्यापक की ओर से विद्यार्थियों को टैबलेट में दिए गए गृह कार्यों की जाँच की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की है। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में टैबलेट आधारित शिक्षण को आदर्श शिक्षा के रूप में पहचान मिले। इसके लिए सभी स्कूल प्रमुखों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ई अधिगम के तहत PAL डायग्नोस्टिक डे के रूप में निर्धारित किए जाए। इन दिनों पर सभी विद्यार्थी और शिक्षक अपने टैबलेट लाएं और PAL सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। कक्षा में शिक्षण के लिए टैबलेट का उपयोग करने के अलावा विद्यालय प्रमुख और शिक्षक प्रत्येक शुक्रवार को विद्यार्थियों को गृह कार्य देना सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को शिक्षक विद्यार्थियों को दिए गए गृह कार्यों को जांच करेगा और विद्यार्थी और शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वह कम से कम निर्धारित दिन में टैबलेट अनिवार्य रूप से लाएं। इन दिनों के अलावा विद्यार्थी अन्य दिनों में ही भी टैबलेट ला सकते हैं। इसलिए इस दिन 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी व शिक्षक विद्यालय में टैबलेट लाना अनिवार्य करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षक टैबलेट में PAL सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो स्कूल के अवसर पोर्टल से शिकायत पर अवगत करवाएं। तो टोटल 20,937 ये टैबलेट बांटे गए थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ये अनिवार्य कर दिया गया है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आपको टैबलेट स्कूल में लाकर ही आने पड़ेंगे, जरूरी कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट जो अपडेट है, पढ़ाई संग स्कूली बच्चे सीखेंगे प्राथमिक उपचार के गुर। जिले के राज्य के स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ प्राथमिक उपचार के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आपातकाल में इनकी सेवा ली जा सके। इसके साथ ही स्कूली बच्चों मोबाइल की आदत को दूर करने के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए जिले के 20 स्कूलों के 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इससे 20 शिक्षक भी होंगे। इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर जूनियर रेड क्रॉस टीम तैयार की जाएगी। जिले के स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है। आपातकालीन स्थिति में इन कमी को दूर करने के लिए जिले के राजकीय स्कूल के 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देकर जूनियर रेड क्रॉस की टीम तैयार की जाएगी। इन जिलों के 20 स्कूलों से 4-4 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को छोटी मोटी बीमारी, चोट या हादसे के समय मरीजों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इन विद्यार्थियों को रेड क्रॉस की आजीवन सदस्यता के लिए भी जागरूक किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक। सेट जोन, रेड क्रॉस, अस्पताल कल्याण के लिए आजीवन सदस्यों को बढ़ाना, आपदा प्रबंधन के लिए दक्ष टीम को तैयार करना, रक्तदान को बढ़ावा दिलाना, अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करना, बच्चों की मोबाइल की गलत आदत को छुड़वाना, संक्रमण रोग की रोकथाम में मदद करना, प्राथमिक चिकित्सा में अहम भूमिका निभाना, लोगों को रेड क्रॉस की गतिविधियों से जोड़ना, सड़क सुरक्षा टीम का गठन करना और यातायात नियमों के विषय में जागरूक करना, नशा मुक्ति कराने के लिए सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना, ये इसमें मुख्य इसके काम रहेंगे। तो इस तरह से ये भी एक जरूरी अपडेट आई थी कि अब स्कूली बच्चों को प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए जाएंगे। और एक और अपडेट थी कि अब सेट परीक्षा के लिए जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। उसकी वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं किस डेट में किस बच्चे की परीक्षा होगी, किस विषय की। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों से शेयर करना था कि इस तरह से स्कूली बच्चों के लिए ये अपडेट आई है। वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को,
सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।